हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, कोरोना वायरस की जो महामारी पूरे विश्व स्तर पर आई है, निश्चित तौर पर बहुत चिंतनीय है और हर व्यक्ति को बहुत सजगता पूर्वक इसमें अपने योगदान करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो देहाती क्षेत्र के लोग हैं, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, उनके मन में अभी भी ये भ्रम है, उन्हें लगता है जैसे उन्हें कोरोना नहीं कुछ कर पाएगा। तो ऐसे लोग पार्क में आ रहे हैं और अकारण कस्बों में घूम रहे हैं, तो उनमें एक संवेदना पैदा करने और जागरूकता पैदा करने के इरादे से हम लोगों ने अपनी टीम के साथ, डॉक्टरों की एक टीम थी उसके साथ, जगह जगह जाके लोगों को लाउड हिलर के माध्यम से जागृत करने का प्रयास किया गया कि जो परिस्थितियां हैं इसमें जितना सोशल डिस्टेंस बन सकता है, जितनी मैक्सिमम दूरी हो सकती है, बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है, उसको ध्यान में रखते हुए लोग बचें और कम से कम मार्केट में निकलें, कम से कम बाहर निकलें और अपने को सुरक्षित रखें, अपने हाथ किस तरह से धुलें, सैनिटाइजर्स का कैसे इस्तेमाल करें, मास्क की आवश्यकता किन्हें है, गमछों का प्रयोग किया जा सकता है, लड़कियां दुपट्टों का इस्तेमाल बाहर निकलने में कर सकती हैं, ये तमाम चीज़ें थी जिनके बारे में लोगों को बताने का प्रयास किया गया। निश्चित तौर पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं। ये किसी चूँकि जो लोग इकट्ठे भी थे वो लड़की देखने के लिए आए थे, दूसरे पक्ष से लड़के पक्ष के लोग थे, बहुतों को उनमें गांव के लोग थे, जानकारी भी नहीं थी कि इस तरह की स्थिति है, तो वही लोगों को निकल निकल के समझाया जा रहा है, जागृत पैदा की जा रही है ताकि लोग इस बात को समझ सकें। टाइम 24 न्यूज़, जज्बा सच दिखाने का।